बच्चों अर्थशास्त्र गुरु की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों पेज नहीं दिख रहा, ये कैमरा मेरा कुछ काम कर भी रहा है, मुझे लग रहा है काम नहीं कर रहा है। सर नहीं दिखाई दे रहा। क्या हो गया इसको? हाँ आप बताओ, आप कुछ दिखा? यस क्या दिखा? दिख रहा है ना पेज? सर आगे सारे बच्चे। प्यारे बच्चों जय हिंद। अर्थशास्त्र गुरु जी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। ठीक है बच्चों, तो शुभारंभ करते हैं आज के टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक आपके +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स के चौथे चैप्टर का छठा टॉपिक है। तो 4.6 बच्चों मैंने इसका नंबर रखा है। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर के लिए भी और 3 नंबर के लिए भी, तो 4 नंबर के लिए। आज का जो बच्चों हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सीरीज में किसी में भी आ सकता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। हमने वैसे पहले भी करा इसको, थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे इसको और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन है डिफरेंसेस का। डिफरेंसेस कौन सा? डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। अर्थात बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये दो तरह से है, इसको दो तरह से समझेंगे हम। ये क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड का भी, साथ में एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड का भी, साथ में कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड और साथ में डिक्रीज इन डिमांड का भी, इन दोनों का परस्पर भी और इन दोनों का परस्पर भी, साथ में इसका और इसका, इसका और इसका। अर्थात ये बच्चों क्वेश्चन कैसे आता है, मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में क्या अंतर है, और मांग में संकुचन तथा मांग में कमी का क्या अंतर है। तो इसको इस तरीके से भी हम समझेंगे और इसको इस तरीके से भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले बच्चों समझते हैं इसको, मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर। मैं आपको इसको इस तरह से समझा रहा हूं कि मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में क्या अंतर है, फिर हम समझेंगे मांग में संकुचन और मांग में कमी में अंतर। तो ये इसको मैं ऐसे करके समझाने वाला हूं, ये दोनों तो अपने आप हमारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, कैसे हम समझने वाले हैं, मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में क्या अंतर है, और उसके बाद हम समझेंगे मांग में संकुचन और मांग में कमी में क्या अंतर है। ये दो अंतर, इनके आपसी विस्तार और संकुचन, कमी और वृद्धि तो साथ साथ हो ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, करें शुरू फिर। सोनाक्षी करें शुरू। यस तो पहला अंतर हमारा है क्या, हम ध्यान में रखो अभी कौन सा हम कर रहे हैं, ये मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर, इन दोनों का अंतर कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं, उसी तरह से मैंने इसको सॉल्व करना है जिससे कि आपकी कंफ्यूजन ना रहे। तो पहला मुख्य अंतर में हम क्या लिखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब है मांग में विस्तार क्यों होता है, यहां पे हम लिखते हैं चेंज इन प्राइस। क्या मांग में विस्तार क्यों होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण। ये जो त्रिभुज बनाया है ना मैंने, ये है चेंज के लिए, चेंज इन प्राइस क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और मांग में वृद्धि क्यों होती है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण। मांग में विस्तार क्यों होता है बच्चों, कीमत में परिवर्तन के कारण, और मांग में वृद्धि क्यों होती है, अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण। यहां कीमत स्थिर रहती है, अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण, यहां अन्य तत्व स्थिर रहते हैं तो कीमत में परिवर्तन के कारण ये दोनों घटनाएं घटती है, मांग में विस्तार भी होता है और मांग में वृद्धि भी होती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। दूसरा सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड ऑकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस। ये मांग में विस्तार क्यों होता है, कीमत में कमी के कारण। समझ में आया बच्चों, मांग में विस्तार क्यों होता है, कीमत में कमी के कारण। अभी इसको टेबल और डायग्राम से भी मैं समझाऊंगा। और जबकि मांग में वृद्धि क्यों होती है, कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण, मतलब जैसे हमने यहां पे लिखा था ना चेंज इन अदर फैक्टर, क्या अन्य कारण हो सकते हैं मांग में वृद्धि के, इंक्रीज इन इनकम, उपभोक्ता की आय बढ़ गई होगी। दूसरा क्या हो सकता है,
पहला कारण था उपभोक्ता की आय बढ़ गई होगी तो मांग में वृद्धि होती है। दूसरा क्या कारण हुआ होगा कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स, जो हमारी प्रतिस्थापित वस्तु है उसकी कीमत बढ़ गई होगी तो भी मांग में वृद्धि हो जाती है। तीसरा कारण क्यों मांग में वृद्धि होती है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो हमारी पूरक वस्तुएं होती है उसकी कीमत घट गई होगी, जैसे कार और पेट्रोल में कार सस्ती होगी होगी तो पेट्रोल की मांग बढ़ी है, ठीक है, तो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तीसरा कारण चौथा क्या हुआ होगा, इंक्रीज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो हमने सारी मान्यताएं पढ़ी थी उन सब में उपभोक्ता की रुचि बढ़ गई होगी, उसकी प्रेफरेंसेस बढ़ गए होंगे, फैशन प्रभाव उस पर चढ़ गया होगा, इस कारण भी मांग में वृद्धि हुई होगी। पांचवा कारण क्या हुआ होगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ गई होगी। चौथा पांचवा कारण होगा जनसंख्या में बढ़ गई होगी। छठा कारण क्या है कि भविष्य में जो कीमतें हैं उसके बढ़ने की संभावना होगी, एक्सपेक्टेशन भविष्य में बढ़ने की होगी तो वर्तमान में मांग बढ़ गई होगी। सातवां है आय वितरण समान हुआ होगा, तो अन्य ये छह परिवर्तन हुए होंगे तो ही मांग में वृद्धि हुई है, जबकि मांग में विस्तार केवल कीमत में कम होने के कारण हुआ है। तो दूसरा कारण बच्चों समझ में आया, स्वाति रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है, उसके बाद अब समझते हैं तीसरा। तीसरा थर्ड क्या है बच्चों, थर्ड कारण क्या हो सकता है, थर्ड इसमें क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट क्या होगी फ्रॉम ए टू बी, इसमें संचलन होगा ए बिंदु से बी बिंदु पर, और डिमांड कर्व जो है डीडी कर्व विल रिमेन द सेम, मांग वक्र जो है वो स्थिर रहेगा, समान रहेगा, सिर्फ इसमें मूवमेंट होगा मतलब संचलन होगा। संचलन कहां होगा, बिंदु ए से बी बिंदु की तरफ। जबकि तीसरा अंतर मांग में वृद्धि का कैसे लिखोगे कि इसमें क्या हो जाता है, इसमें शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग कहां से होगी, टुवर्ड्स आउटसाइड, बाहर की तरफ होगी। इसमें ई बिंदु अगर हमारा पहले था तो ये ई डैश बिंदु पर हो जाएगी, पहले में हमारा मांग वक्र डी डी होता है, उसके बाद डी डैश पे मांग वक्र चला जाता है टुवर्ड्स आउटसाइड या टुवर्ड्स राइट साइड आप कह सकते हैं, तो मांग वक्र में इसमें शिफ्टिंग होती है और इसमें केवल संचलन होता है ए बिंदु से बी बिंदु, इसमें बदलता है सिर्फ बिंदु और इसमें हो जाता है उसका परिवर्तन, बाहर की तरफ शिफ्ट होता है। तो बच्चों ये तीन अंतर तुम लिखोगे किसके लिए, यदि ये क्वेश्चन क्या आता है, दो नंबर सीरीज में आता है, ढाई नंबर सीरीज में आता है, दो नंबर के लिए ये पर्याप्त है, ढाई नंबर में भी कई बार आ जाता है तो भी ये पर्याप्त है क्वेश्चन, क्या मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर लिखो, दो नंबर और तीन नंबर में आप इसको थोड़ा विस्तार से लिखोगे, मैंने तो सांकेतिक भाषा में लिखा, समझ में आया बच्चो। वैशाली मधु बटे समझ में आया, आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी, इसमें yes, ये दो नंबर की सीरीज में आता बच्चों क्वेश्चन, ठीक है, तो बहुत आसान है, इसमें ये तीन ही पॉइंट तुमने लिखने हैं, मैंने तो इसमें ये चित्र बनाए ना, आपने चित्र थोड़ी बनाना है, आपने तो लिखना है जो मैंने यहाँ चिन्ह बनाए जैसे आपको समझाया, आपने तो बस वही लिखना है, तो ये दो नंबर में पर्याप्त है, कई बार ढाई नंबर में है तो भी पर्याप्त है, बस ये तीन चीजें आपने लिखनी है, ठीक है। लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन बच्चों तीन नंबर में भी आ जाता है और चार नंबर में भी आ जाता है, मे बी पांच में भी आ जाए, तो अगर ये तीन चार या पांच सीरीज में क्वेश्चन आता है तो इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, तो आपको इसको टेबल और डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करना होता है, आपको इसके टेबल बनाना पड़ेगा पहले, फिर उसको डायग्राम से समझाओगे तो तीन में से तीन, चार में से चार, पांच में से पांच नंबर मिल जाएंगे। अब इसको टेबल से कैसे समझाना है, हमने मांग में विस्तार, मांग में विस्तार में पहले पॉइंट पे ले रहा हूं प्राइस पी, दूसरे में ले रहा हूं क्यू, अर्थात मान के चलते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, मांग में विस्तार हो रहा है, तो इसमें प्रारंभिक बिंदु हमने क्या लिया, चार रुपए कीमत है मान लेते हैं और उस पर मांग है दो। अब क्या हुआ है, कीमत के कम होने से मांग में विस्तार होता है, कीमत चार से कम होकर दो रुपए रह जाती है कुल्फी की, तो मांग उस स्थिति में बढ़कर दो से चार हो गई, ये हमारा टेबल किसका बताएगा हमें, मांग में विस्तार का। तो इसको मैं बना रहा हूं डायग्राम के माध्यम से, इसमें ओ एक्स एक्सिस हमने ले लिया यहाँ पे, इसकी मैंने ले ली क्वांटिटी एक से लेकर चार तक क्यू, और यहाँ पे प्राइस ले रहा हूं मैं
वाई एक्सिस पर, मैंने ले ली प्राइस पी, ये हो गया वाई एक्सिस। अब हमारा शुरुआती बिंदु क्या है, चार रुपए कीमत पर मांग कितनी है, दो, अर्थात ये हमारी चार कीमत है और मांग हमारी है दो वस्तु की, तो ये हमारा होगा शुरुआती बिंदु पॉइंट ए। ठीक है, अब हुआ क्या है, मांग में विस्तार के लिए कीमत कम हुई है, चार से कम होकर दो रह गई है, तो फिर मांग बढ़कर दो से चार हुई है, ये हमारी है दूसरी अवस्था, अर्थात कीमत चार से कम होकर दो रह गई है तो मांग बढ़कर दो से चार हुई है, ये आ गई मांग बढ़कर चार हमारी इस बिंदु पर, ये आ गई मांग बी बिंदु पर। अब अगर इनको मिलता हुआ बिंदु ए और बी को हमारा मांग वक्र जो निकलेगा, ये हमारा हुआ डीडी कर्व मांग वक्र। अब इस मांग वक्र में क्या हुआ था, बिंदु ए से बी बिंदु की तरफ आना, ये हमारा कहलाता है मांग में विस्तार, क्योंकि ये क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, ये संचलन हुआ यहां से ए से बी बिंदु की तरफ। पहले हम ए बिंदु पे थे चार कीमत पर दो, अब हम पहुंच गए कीमत चार से दो कम होने पर दो से बढ़कर ये चार हो गई, कीमत कम हुई तो मांग दो से चार हो गई, बिंदु ए के बजाय अब बी बिंदु हमें मिला, तो ये पॉइंट ए से बी बिंदु की ओर आना क्या है, मांग में विस्तार। ये हम कब बनाएंगे, ये क्वेश्चन तीन चार नंबर सीरीज में अगर आ जाए। अब हम समझते हैं इसका दूसरा भाग, वो क्या है हमारा, मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि में क्या अवस्था है, इसमें भी हम वही ले लेते हैं, हमने प्राइस पी ले लिया, क्वांटिटी क्यू ले लिया, अब हमने क्या करना है, मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि कब होगी, जैसे हमने मान लिया तीन रुपए कीमत है, उस पर मांग भी तीन है, कीमत अभी भी तीन ही है लेकिन मांग तीन से बढ़कर चार हो गई, अर्थात समान कीमत पर अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण, अन्य फैक्टर जितने हमने पढ़े थे उसमें परिवर्तन के कारण, अनुकूल का होने के कारण तीन से चार हुई, तो इसको एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूं क्वांटिटी क्यू, ये हमने ले लिए चार यहां पर, और वाई एक्सिस पर मैं ले रहा हूं प्राइस पी, ये हो गए हमारे, प्राइस हो गई हमारी किस पर, वाई एक्सिस पर पी। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, शुरुआती तीन रुपए कीमत पर मांग कितनी है, तीन वस्तु की, अर्थात हमारी तीन कीमत है तो मांग भी तीन है, तो ये हमारा बिंदु ये होना चाहिए लगभग, ये हमारा ये हो गया तीन पर तीन। ठीक है, तो मांग वक्र हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया मांग वक्र डी डी। ये शुरुआती स्थिति है, तीन रुपए कीमत तीन मांग, तो अर्थात तीन पर तीन ये हमारी है स्टार्टिंग पॉइंट, मांग वक्र डी डी इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, यहां पर ये है। हुआ क्या, कीमत रही स्थिर, कीमत पे कुछ नहीं हुआ लेकिन मांग तीन से बढ़कर चार होगी, क्यों होगी, यहाँ पे जो हमने छह कारण पढ़े ना, उपभोक्ता की आय बढ़ गई, सब्स्टिट्यूशन की कीमत बढ़ गई, कॉम्प्लीमेंट्री की कीमत घट गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बढ़े, एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की बढ़ गई, या जनसंख्या बढ़ी, आय समान वितरण आदि आदि ये कारण हुए, इस कारण तीन से मांग बढ़कर हो गई चार, कीमत अभी भी तीन ही है लेकिन मांग कहाँ पहुंच गई, तीन से बढ़कर चार पर, अर्थात अब हमें ये वाला बिंदु मिला ई डैश, तो मांग वक्र ने तो बाहर की तरफ जाना ही पड़ेगा इसको, ये हमारा मांग वक्र खिसक के चला गया डी डैश डी डैश, ये यहां से बाहर जो गया, इसी को हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, ये हुई इसकी शिफ्टिंग, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग, और ये क्या था हमारा मूवमेंट, ये शिफ्टिंग है ये मूवमेंट है, इसीलिए इसको कहते हैं मांग में वृद्धि। इन दोनों में बच्चों कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, विस्तार सेम डीडी कर्व पर मूवमेंट है पॉइंट ए से बी आना, और इंक्रीज इन डिमांड में शिफ्टिंग है, मांग वक्र जो है टुवर्ड्स आउटसाइड कहो आप या टुवर्ड्स राइट कहो, मांग वक्र को बाहर उतना जाना ही पड़ेगा क्योंकि कीमत स्थिर रही है। इज इट क्लियर बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार नंबर तीन नंबर आज आपके पक्के हो जाएंगे, बताओ क्लियर yes, हुआ साक्षी को आया समझ में, क्षी की आईडी से कौन से हेमलता और गीताक्षी है, यस सर। तो आया बच्चों समझ में, यस सर। ये हुआ बच्चों ये वाला अंतर। अब इसमें दूसरा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आता है, वो क्या, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड, मतलब मांग में संकुचन और डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी में अंतर लिखो, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इन दोनों का अंतर तो साथ साथ समझ में आई, ये तो आसान है, इतना आसान एग्जाम में आता नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड में अंतर लिखो, या इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में अंतर लिखो, अक्सर क्वेश्चन जो है वो क्रॉस कर देते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो इसीलिए मैंने क्रॉस ही आपको समझा रहा हूं। ठीक है,
हमारा अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये पहला पॉइंट तो सेम है जो इन दोनों का भी था, जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड का था सेम है, करना ही कुछ नहीं है, एक भी शब्द नहीं बदलना। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड पहला कारण क्या है, क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो पहला कारण क्या हुआ बच्चों, मांग में संकुचन का, कीमत में परिवर्तन के कारण ये घटना घटती है। अब दूसरा क्या है, डिक्रीज इन डिमांड क्यों होता है, इसमें भी बस हम वही चीज दिखेंगे। इसको मैं ब्लैक पेन से करता हूं ताकि थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंस क्लियर हो जाए। इसमें दूसरा कारण क्या है, पहला कारण क्या हमने लिखा था, चेंज इन प्राइस कॉन्ट्रेक्शन में होता है, कॉन्ट्रेक्शन क्यों होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण, और मांग में कमी क्यों होती है, चेंज इन अदर फैक्टर, अदर फैक्टर्स अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण, कीमत यहां स्थिर रहती है, अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग में कमी होती है। यहां पे कीमत में परिवर्तन आता है, अन्य तत्व जो है वो समान रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो पहला अंतर तो यही है जो इनमें भी, इन चारों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में सेम लिखोगे आप, इन दोनों में सेम लिखोगे, चेंज इन प्राइस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हैपन्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर प्राइस रिमेन्स द सेम और कॉन्स्टेंट। पहला बिल्कुल सिंपल है, समझ आ गया होगा बच्चों, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। ओके, अब हम समझते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट बिल्कुल इसके अपोजिट है, मतलब जो हमने एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में लिखा था उसका विपरीत प्रभाव कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड को बोल देगा। तो विपरीत क्या है, मांग में विस्तार क्यों हुआ था, कीमत में कमी के कारण, लेकिन मांग में संकुचन क्यों होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। ये मांग में संकुचन क्यों हुआ, कीमत में वृद्धि के कारण मांग जो है वो संकुचित हुई, ठीक। और डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी क्यों आई, मांग में कमी आई ये सारे कारण हुए कि डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पहला कारण हो सकता है उपभोक्ता की आय कम हुई होगी। दूसरा कारण क्या हुआ होगा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स, जो प्रतिस्थापित वस्तु थी चाय के बदले कॉफी, कॉफी सस्ती हुई होगी तो चाय की मांग कम हुई। तीसरा कारण क्या हुआ होगा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो हमारी पूरक वस्तु थी जैसे कार की पेट्रोल, तो पेट्रोल महंगा हुआ का तो कार की मांग घटी। तो अर्थात तीसरा कारण क्या है, जो पूरक वस्तु है उसकी कीमत बढ़ी होगी। फिर चौथा कारण क्या हुआ होगा, डिक्रीज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताएं थी वो बदल गई, घट गई। फिर पांचवा कारण क्या हो सकता है, जनसंख्या जो है वो घट गई, कम हुई होगी, उसका अनुपात गड़बड़ हुआ होगा। छठा कारण हमारा क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेशन, भविष्य में कीमत कम होने की संभावना है कि 2 महीने बाद इसकी कीमत कम होनी है, तो वर्तमान में मांग कम हुई होगी, डिक्रीज इन डिमांड। सातवा क्या हुआ होगा, कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा वो अनइक्वल हुआ होगा। तो ये सारे 6 कारण इसके विपरीत पड़े होंगे, तो ही मांग में क्या हुआ है, कमी आई है, जबकि यहाँ पे केवल कीमत में वृद्धि के कारण मांग में संकुचन हुआ है। दूसरा अंतर क्लियर हुआ बच्चों? आप लोग माइक ऑन ऑफ करके ना रिप्लाई नहीं करते हो। चलो अब उसके बाद अब हम समझते हैं, क्या समझते हैं, तीसरा पॉइंट। तीसरा भी बिल्कुल सेम है, इसमें फिर क्या हुआ हमारा, मूवमेंट होगा। मूवमेंट क्या होगा, फ्रॉम बी टू ए हम इसमें लिख सकते हैं, या अगर अलग अलग बना रहे तो आप ए टू बी ही लिखोगे इसमें। मतलब इसमें क्या होगा, हमारा मांग वक्र जो है वो बदलेगा नहीं, शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि डिमांड कर्व हमारा कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, लेकिन पॉइंट ए से बी बिंदु की तरह हम जाएंगे, अगर हम अलग बना रहे हैं, अगर हम सारे ही बना रहे हैं तो उसको फिर बी से ए लिख सकते हैं, जो मैं अभी समझाऊंगा। अर्थात उसी मांग वक्र पे पॉइंट बदल रहे हैं, एक बिंदु से हम दूसरी बिंदु की तरफ जा रहे हैं, मांग वक्र हमारा वही रहे। जबकि डिक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, इसमें क्या है, ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स क्या, इनसाइड, अंदर की तरफ, या टुवर्ड्स लेफ्ट, अंदर की तरफ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा क्या, मांग वक्र। क्यों, क्योंकि उसमें कीमत स्थिर रही है,
मांग वक्र को अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए मांग में कमी में इसमें शिफ्टिंग होती है ना के मूवमेंट, मूवमेंट होता है कॉन्ट्रेक्शन में, शिफ्टिंग होती है मांग वक्र की टुवर्ड्स इनसाइड और टुवर्ड्स द लेफ्ट इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी दो नंबर के लिए और ढाई नंबर के लिए इतना पर्याप्त है, दो नंबर में आ गया ढाई नंबर में आ गया, तो ये तीन अंतर आपने लिखने हैं, आपके तीन नंबर, आपके दो नंबर ढाई नंबर आपके पूरे हो गए। ठीक, अब अगर ये तीन नंबर में आ गया, चार में आ गया, कई बार पांच में भी आ जाता है, तो फिर आपको ये टेबल भी बनाना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा अंतर के लिए। तो हम मान के चल रहे कि तीन नंबर में आया, चार में आया, चाहे पांच में आए, हमें तो पूरे नंबर लेने हैं। तो इसमें अब क्या, अब बनना है इसका टेबल, फिर बनना है डायग्राम, जो कि सिंपल चीज है। अर्थात हमने यहाँ पे ले लिया प्राइस पी और यहाँ पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी क्यू। हम क्या समझ रहे हैं, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड, मांग में संकुचन, जो क्यों होता है, कीमत में वृद्धि के कारण। अर्थात हमारी जो शुरुआती स्थिति है, हमने मान लिया दो रुपए कुल्फी की कीमत थी, तो मांग उस कुल्फी की थी चार इकाई, हम खरीद रहे थे। अब हुआ क्या है, इसकी कीमत दो रुपए से बढ़कर कुल्फी होगी चार, तो हमारी जो इसकी मांग है कुल्फी की, ये घट गई, चार से कम होकर रहेगी दो इकाइयों। ठीक है, अब इसी अवस्था को हम चित्र में दिखाएंगे, तो इसी अवस्था को अब देख लेते हैं हम डायग्राम के माध्यम से। ओ एक्स एक्सिस पर मैं क्वांटिटी ले रहा हूं, इसकी मैंने ले ली चार मात्राएं, और ओ वाई एक्सिस पर बच्चों मैं प्राइस पी ले रहा हूं, ये हमारी इसकी भी चार मात्राएं मैं कीमत की ले रहा हूं। प्रारंभिक अवस्था से शुरू करेंगे, दो रुपए कीमत पर मांग कितनी है चार, ये हमारी दो कीमत रही, ये रही क्वांटिटी चार, मतलब हमारा लगभग ये बिंदु हमें मिलने वाला है, तो ये मैं इसको बना रहा हूं, ये हुआ हमारा पहला बिंदु, कौन सा, इस बिंदु का नाम रख दो जैसे ए। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ है, कीमत बढ़ गई है दो से चार, तो दो से चार कीमत पहुंच गई है यहां, मांग चार से कम होकर रहेगी दो, चार से कम होकर रहेगी दो, अर्थात हमारा दो मांग का, और ये रहा हमारा दो का, दो रही हमारी मांग और ये चार रही हमारी कीमत, पॉइंट मिला हमें ये बी। अर्थात अब अगर मैंने मांग वक्र बना दिया, ये हमारा बन गया मांग वक्र डी डी कर्व। ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ हम गए, इसे हम कहा, हमने इस ए बिंदु से बी बिंदु पर जाना हमारा क्या था, ये कॉन्ट्रैक्शन, अर्थात इसको हमने क्या कहते हैं, इसे संकुचन, मांग में संकुचन हुआ, कीमत में वृद्धि के कारण मांग का कम होना, दो से चार कीमत हुई तो मांग चार से कम होकर दो रहेगी, पॉइंट ए से बी बिंदु पर हम पहुंचे, इसे हम कहते हैं मांग में संकुचन। और मांग में कमी बिल्कुल सेम है हमारा, इसका अपोजिट होगा मांग में वृद्धि के, अर्थात हम यहाँ ले रहे हैं प्राइस पी, क्वांटिटी क्यू ले रहा हूं मैं यहाँ पर, हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती अवस्था है, हम मान रहे हैं तीन रुपए कीमत थी कुल्फी की, तो तीन ही मांग है। ठीक है, कीमत इसकी क्या है, अभी भी हमारी तीन ही है, कीमत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन मांग कम होकर दो रह गई है, तीन की अपेक्षा दो, क्यों, उपभोक्ता की आय कम हुई, संबंधित वस्तु की कीमत कम हुई, पूरक वस्तु की कीमत बढ़ी, रुचि तथा प्राथमिकताएं घट गई, जनसंख्या कम होगी, एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में कीमत कम होने की है, ये आदि आदि जो कारण है छह, ये सब हुए हैं, इस वजह से कीमत समान रहने पर भी मांग तीन से कम होकर दो रह गई है। तो हमारा शुरुआती बिंदु क्या है, तीन रुपए कीमत पर हम कितनी मांग कर रहे हैं, तीन, तो ओ एक्स एक्सिस पर मैंने ले ली क्वांटिटी क्यू, ये हम ले रहे हैं एक दो तीन और चार, मैंने क्वांटिटी क्यू ले ली। ओ वाई एक्सिस पर मैं ले रहा हूं प्राइस पी, ये मैंने ले ली चार प्राइस। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तीन रुपए कीमत, तीन क्वांटिटी की मांग है, तीन रुपए कीमत का बिंदु ये है, इसका तीन का मांग का बिंदु भी ये है, अर्थात हम तीन रुपए पर तीन मांग कर रहे हैं, ये हमारा है शुरुआती बिंदु ये, अर्थात ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ई हो गया। तो ये हमारा मांग वक्र जो है वो, ये हमारा डी डी कर्व क्या हुआ, मांग वक्र कहाँ काटा इसने, ई बिंदु पर, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। अब हुआ क्या, कीमत अभी भी तीन ही है, ये कीमत में कुछ नहीं हुआ, तीन है, लेकिन अन्य तत्वों में परिवर्तन, जो हम छह बार बार पढ़ रहे हैं, इसमें परिवर्तन के कारण मांग तीन से कम होकर कितनी रह गई, दो। तो यहां से कीमत, यहां कीमत तीन पर तीन थी, अब ये तीन कीमत रहने पर मांग तीन से कम होकर कितनी रहेगी, दो, तो या तीन से कम होकर दो आ गई है, तो ये हमारा जो नया बिंदु हमें मिलेगा ये वाला, ये है ई डैश। तो मांग वक्र को अंदर आना ही पड़ा, ये हमारा मांग वक्र जो है वो शिफ्ट होकर टुवर्ड्स इनसाइड आएगा, ये इसका नाम हो गया डी डैश, डी डैश
कहां से आया, यहां से अंदर की तरफ ही आया, डीडी कर्व से, डी डैश डी डैश टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स इनसाइड, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है इसकी तरफ नजदीक आया, अर्थात लेफ्ट साइड आया इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड. और इन केस ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड ओनली मूवमेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट. ठीक है, अब बच्चों ये चार अंतर आपके सामने हैं, आप इसको समझोगे कैसे, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, सिंपल आए, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड, तो ये वाला हिसाब आपने लिखना है. ये बहुत ही आसान है, दोनों क्यों होते हैं कीमत में पर, फिर आप ये वाला नहीं लिखने का कोई लॉजिक नहीं रहता. अगर आप ये वाला लिख रहे हो तो इसमें चेंज इन प्राइस का दोनों में सेम लिखने का कोई लॉजिक नहीं है. फिर आप यहाँ से शुरू करोगे, ये होता है कीमत में कमी के कारण, ये होता है कीमत में वृद्धि के कारण, इसमें ए से बी बिंदु की तरफ जाते हैं, इसमें बी से ए बिंदु की तरफ. बाकी ये टेबल और ये डायग्राम सिंपल आपके तीन नंबर का है तो तीन के तीन मिल गए. अंतर आ गया अगर इन दोनों में कि डिक्रीज इन डिमांड और इन दोनों में अंतर अगर आया, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में, तो पहले अंतर का इसका कोई अर्थ नहीं है. फिर हम लिखेंगे दूसरा और तीसरा, ये वाला अंतर कि ये इसके कारण हुआ है, क्यों कि इसमें आय बढ़ गई है, ये सारे छह कारण, इसके लिखेंगे छह कारण. ये क्यों हुआ है, इसमें मांग पत्र जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स आउटसाइड टूवर्ड्स राइट, इसमें शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स इनसाइड टूवर्ड्स लेफ्ट. और ये टेबल बना दो, डायग्राम बना दो, तो इसके भी तीन और चार नंबर आपकी जेब में. क्रॉस आए तो मैंने आपको क्रॉस समझाई है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड का ये वाला आएगा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड का ये वाला आएगा. अब बच्चों आपकी बारी, अब मुझे बोलो कौन सी चीज समझ में नहीं आई. मधु सर, बेटा अगर ये तीन नंबर चार नंबर का क्वेश्चन आता है तो पूरे चार नंबर आने चाहिए ना अब हमारे, कि नहीं आएंगे अभी भी, आने चाहिए ना बेटा, क्योंकि अब हमने देखो इसकी सारी बारीकियां समझ ली, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट बहुत सिंपल है. ये डायग्राम दिखने में डरावने लग रहे होंगे लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया ना, आपके सामने ये बनाया मैंने, तो आसान है ना, इसमें कुछ नहीं है. तो इसको आपने मान के चलो कि ये तीन नंबर चार नंबर आज आपने 100% अपने किए बच्चे, ये आना ही आना है क्वेश्चन, कोई झुठला नहीं सकता इसको. पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर आप देख लो, इस क्वेश्चन ने आना ही है. हाँ ये हो सकता है ये पांच नंबर में ना आए, तीन नंबर में आए, चार में ना आए, ढाई में आ जाए, लेकिन आना इन क्वेश्चन ने है ही है. बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं तो आपको ये बेसिक समझना है बस, ये बहुत आसान है, बहुत ही इंटरेस्टेड है और मजे आ रहे क्वेश्चन करने में. ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो बोलो. साक्षी बार टेस्ट में मैंने यही डालना है तो आ जाएंगे ना पूरे नंबर, बिना नकल किए कर लोगे ना बिस्कुट. यस सर, तीनों के तीनों महारथी गाय हुए त्रिदेव. ठीक है बच्चों, एनी क्वेश्चन बच्चों, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, मधु ममता? नो नो सर. ओके साक्षी बेटा, कोई डाउट नहीं है? No, sir. That's good, बेटा. तो अब आज की कक्षा में बच्चों इतना ही. अब मुझे अब ये इसके बेटा अब एक दो, वैसे तो मेन तो ये चैप्टर हो ही गया, पर इसमें छोटा सा एक दो लेक्चर और हमारा होना है, वो मैं एक दो दिन में बता दूंगा, तो इसकी अब तैयारी कर लेना, अगला टेस्ट फिर इसी चैप्टर का होगा. ओके बच्चो, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर. ओके बच्चो, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम.